चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट है हमने उसको देखा, हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी मुकम्मल हमने देख ली थी, उसकी डेवलपमेंट सब कुछ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ ऑल अबाउट फीटल सर्कुलेशन, कि फीटल सर्कुलेशन में कि उसकी सर्कुलेशन कैसे होती है फीटस की जब वो मदर के पेट में होता है, और जब उसकी बर्थ होती है तो आफ्टर बर्थ फिर उसमें क्या चेंजेस आती है, और फिर उसकी ग्रोथ किस तरह की होती है, तो उसको हम देखते हैं। चलिए पहले अपनी बुक से हम उसको डिटेल से देख लेते हैं, फिर मैं आपको फर्स्ट ईयर की बुक से रीडिंग करा दूंगा। चलिए फीटल सर्कुलेशन, चलिए देखें बिफोर बर्थ क्या होता है और फिर आफ्टर बर्थ क्या होता है, ये मैं आपको रीडिंग बाद में कराता हूँ, ठीक है, रीडिंग में आपको बाद में कराता हूँ। पहले इंस्टाग्राम पर आ जाए, इसको समझे सर कि ये क्या कहती है। तो देखें वो कहता है कि जी चलें जी, ये जो सर्कुलेशन है ये सारी फीटस की है, तो लेट्स सपोज दैट के ये मदर है, ठीक है, तो ये मदर के पेट में बच्चा है, तो वो ये बच्चा रख दिया उन्होंने, तो ये इसकी कैसे होती है सारा कुछ ना फीटल सर्कुलेशन। तो आपको पता है प्लेसेंटा होता है मदर और उसके बच्चे के बीच में, तो ये अगर हम इसको कहें कि मदर है और ये मदर और बच्चे के बीच में प्लेसेंटा है, तो होता क्या कि प्लेसेंटा के ज़रिए जो ब्लड है, मदर का ब्लड है, वो मदर का ब्लड मदर से माँ के अंदर से ब्लड जो है ना वो प्लेसेंटा के ज़रिए आता है सबसे पहले अम्बिलिकल वेन में। अब ये अम्बिलिकल वेन किसकी होती है, ये फीटस की होती है, बच्चे की होती है। अब ब्लड जो है ना वो अम्बिलिकल वेन में आता है प्लेसेंटा के ज़रिए। अब जो ब्लड अम्बिलिकल वेन में आता है उसकी जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है वो 80% होती है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन 80%, और उसमें पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन होता है वो 30 mmHg होता है। ये MCQs है दोनों, ये दोनों MCQs है। वो पूछ सकता है कि अम्बिलिकल वेन में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी होती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। तो 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 30 mmHg होता है। चले जी, हम कहाँ तक पहुँचे, हमने कहा मदर से प्लेसेंटा के जरिए ब्लड कहाँ पहुँचा, अम्बिलिकल वेन में पहुँचा। अब जब वो अम्बिलिकल वेन के जरिए आगे की तरफ मूव करता है हार्ट की तरफ, तो जब वो यहाँ पर जाता है इस जगह पर, तो यहाँ पर उसके पास दो पाथ होते हैं। एक पाथ होता है कि वो लीवर से होता हुआ जो है ना वो इन्फीरियर वेना के वजह से राइट एट्रियम में जाए, और दूसरा होता है कि एक होती है आपके पास डक्टस विनोसिस, कि इस डक्टस विनोसिस के जरिए होता हुआ वो आपके इन्फीरियर वेना के वजह से जाए। तो इसमें होता क्या, इसमें ये होता है कि जब जो फीटस होता है तो जो फीटस का लीवर है वो वेल डिवेलप्ड नहीं होता, जो फीटस का जो लीवर है वो वेल प्रॉपरली डिवेलप नहीं होता। जब वो प्रॉपरली डिवेलप नहीं होता तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अभी तक मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुआ, अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो अब ब्लड के पास दो रास्ते हैं, अम्बिलिकल वेन से आया इसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये वाला और एक रास्ता ये वाला। अब ब्लड किस तरफ मूव करेगा आप बताएं मुझे, ब्लड के उस तरफ मूव करेगा ना जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी। अब लीवर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ब्लड इस तरफ मूव करेगा नहीं, ब्लड इस तरफ मूव ही नहीं करता। ब्लड कहते हैं कि जिस तरफ स्लो रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस है, मैं उसकी तरफ जाऊँगा, तो ब्लड लीवर की तरफ जाता ही नहीं है, तो ब्लड चला जाता है डक्टस विनोसिस में। अब डक्टस विनोसिस से होता हुआ वो फिर चला जाता है आपके इन्फीरियर वेना केवा में, और इन्फीरियर वेना केवा से होता हुआ ब्लड चला जाता है आपके राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ब्लड पहुँच चुका है और इस ब्लड की ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी है 80%, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 30 mmHg। तो ये दो चीज़ें फिर सुन लें, इसको सारे को फिर सुन लें, दोबारा सुन लें, लेट मी चेंज द कलर दिस टाइम। तो वो कहता है जी ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ब्लड आया मदर से बच्चे के अंदर अम्बिलिकल वेन में, जब वो अम्बिलिकल वेन में आया तो उसने ऐसे आगे मूव किया, तो उसके पास जब वो यहाँ तक पहुँचा उसके पास दो रास्ते, एक लीवर से होता हुआ इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में जाए, एक आपके डक्टस विनोसिस के जरिए होता हुआ जाए। तो जो जब फीटस होता है तो उसका जो लीवर होता है वो वेल डिवेलप्ड नहीं होता, अभी डिवेलप हो रहा होता है, तो इस वजह से जो उसकी रेजिस्टेंस है उधर ब्लड के लिए जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्लड जो है ना वो इस तरह मूव नहीं करता क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ब्लड मूव कर जाता है डक्टस विनोसिस में, डक्टस विनोसिस से इन्फीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड पहुंचा है वो 80% सैचुरेशन है और 30% प्रेशर ऑफ MMHg है, ये अम्बिलिकल वेन से आया है। चले इसको यहाँ पर स्टॉप कर दें, ये ब्लड कहाँ पहुँच चुका है आपके राइट एट्रियम में पहुंच चुका है। दूसरी चीज सुने, इधर ऊपर जो बच्चा है उसका हेड एंड नेक होता है ना, फीटस का हेड एंड नेक होता है। अब हेड एंड नेक से हेड एंड नेक में भी तो ब्लड होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे जाता है हेड एंड नेक को ब्लड की सप्लाई कैसे जाती है। लेकिन जब हेड एंड नेक में ब्लड की सप्लाई होती है तो वहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है,
डीऑक्सीनेटेड ब्लड वहां से हेड एंड नेक से होता हुआ सुपीरियर वेना केवा से, कहां से? सुपीरियर वेना केवा से, वो भी राइट एट्रियम में आकर ड्रेन हो जाता है। अब राइट एट्रियम में दो ब्लड आए हैं, एक ब्लड आपकी अम्बिलिकल वेन में जिसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन ज्यादा थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो मदर से आ रहा था, एक हेड एंड नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा के जरिए। अब इसमें ब्लड हो गया मिक्स, ब्लड क्या हो गया मिक्स, अब इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स है, लेकिन ज्यादा मिकदार ऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती है, ठीक है, ज्यादा मिकदार ऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती है। अब यहां तक हम पहुंच गए, अब यहां से आगे कैसे होता है? यहां से आगे ये होता है कि देखिए, ये आपका राइट एट्रियम और ये आपका लेफ्ट एट्रियम। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में मैंने कहा था कि यहां पे क्या होता है आपका, ये देखिए मैंने कहा था ऐसे हार्ट ट्यूब होती है, तो ये इंटर एट्रियल सेप्टम बनता है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम बनता है, एंडोकार्डियल कुशन होता है और ये आपके यहां पे वॉल्स बनते हैं, ठीक है, इंटर एट्रियल वेंट्रिकल वॉल्स बनते हैं। अब देखिए बात सुने, हमने कहा था कि जब इंटर एट्रियल सेप्टम बन रहा होता है तो इधर एक हमने स्कैंडम जोड़ा था, फोरामेन स्कैंडम। अब फोरामेन स्कैंडम कैसे बंद होता था कि इधर से सेप्टम स्कैंडम आया, उसने फोरामेन स्कैंडम को बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बीच में एक होल रह गया था छोटा सा जिसको हम फोरामेन ओवेल कहते थे। अब होगा क्या, अब होता यह है कि आपके राइट एट्रिया में जो ब्लड का प्रेशर होता है, राइट एट्रिया में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या होता है ज़्यादा, और जो लेफ्ट साइड होती है लेफ्ट फीटस में, फीटस में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टर बर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ राइट साइड ऑफ हार्ट ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है और लेफ्ट एट्रिया या फिर लेफ्ट साइड में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं थोड़ा आगे जाके बताता हूँ, अभी जस्ट बिलीव मी कि ब्लड का प्रेशर राइट साइड में ज़्यादा होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है कम होता है। अब इधर मिक्स्ड ब्लड है ना, लेकिन ज़्यादा मिकदार ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है, तो यहाँ से होता, एक सेकेंड मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा, इसकी बैटरी खत्म हो गई है लैपटॉप की। हाँ जी चलिए, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा फीटस में राइट साइड में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है और लेफ्ट साइड में ब्लड का प्रेशर क्या होता है कम होता है फीटस में, और ये क्यों होता है मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ तक हो गया, अब जो आपके इधर राइट एट्रिया इधर दो तरह का ब्लड पड़ा हुआ है, इधर से ऑक्सीजनेटेड आया था ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, दोनों मिक्स्ड है लेकिन ज़्यादा मिकदार ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है। अब क्योंकि राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा और लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर कम, तो इस प्रेशर की वजह से इस फोरामेन ओवेल के जरिए, किसके जरिए ये मैंने बताया था फोरामेन ओवेल, इस फोरामेन ओवेल के जरिए ब्लड आपका 70% ब्लड, जितना भी राइट एट्रियम में ब्लड पड़ा हुआ था उसका 70% ब्लड यहाँ राइट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, फिर वो लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, किसके जरिए ये यहाँ पे मिट्रल वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में वो जो आपका ब्लड होता है वो चला जाता है आपके ईओल्टा में, और ईओल्टा में जाके मोस्टली ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वाला, ये मोस्टली आपकी हेड एंड नेक को सप्लाई होता है, हेड एंड नेक को ये वाला ब्लड सप्लाई होता है। तो अगर क्वेश्चन है कि जो है आपकी बॉडी फीटस की जो बॉडी होती है उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको ज़्यादा सप्लाई होती है, तो आप कह सकते हैं हेड एंड नेक को मोर सप्लाई होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब यही जो ब्लड हेड एंड नेक को ब्लड की सप्लाई हुई है, अब यहाँ पर ये ब्लड इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, हेड एंड नेक में जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को वापस दे देंगे, तो अब यही ब्लड जब वापस आता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से सुपीरियर वेना केवा के जरिए वापस आ जाता है, ठीक है, तो वो मैं बता रहा था। अब खैर सुने, यहाँ का 70% ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ईओल्टा में, ईओल्टा से होता हुआ आपके हेड एंड नेक को भी सप्लाई होगी और बाकी ब्लड मैं आगे बताता हूँ, यहाँ तक रुक जाए। अब हमने कहा था कि राइट एट्रियम से 70% ब्लड इधर चला गया, पीछे कितना रह गया 30% ब्लड। अब जो 30% ब्लड होता है वो क्या करता है, लेट मी चेंज द कलर, अब जो 30% ब्लड होता है वो क्या करता है, जो 30% ब्लड है वो यहाँ से होता हुआ राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में वियर ट्राइकस्पिड वाल, फिर वो राइट वेंट्रिकल से होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। अब पल्मोनरी आर्टरी से उसे किधर जाना चाहिए, उसे बेसिकली लंग्स में जाना चाहिए, इधर भी लंग्स में जाना चाहिए राइट एंड लेफ्ट लंग में, लेकिन वो लंग्स में नहीं जाता, क्यों लंग्स में क्यों नहीं जाता, अब फिर वही बात, जैसा कि लिवर की मुकम्मल तौर पर डिवेलप नहीं था तो लंग्स भी डिवेलप नहीं होते, लंग्स भी डिवेलप नहीं होते, जब लंग्स डिवेलप नहीं होते तो क्या लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है, नहीं, लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, जब लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो इसका मतलब है वहां पर जो वेसल्स हैं उनकी क्या होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन, इस वाले कंसेप्ट का आपको पता है, हैं बताओ भाई,
नहीं पता, चले मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। देखिए पहले ये वाला कंसेप्ट देख लें जरा आराम से। वो कहते हैं कि जी जो सिस्टम्स हैं, जो सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स हैं आपके, सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स हैं, अगर किसी सिस्टम को जो है ना ऑक्सीजन की कमी है, कि सिस्टम में ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी क्या हो जाती है, वेजोडाइलेशन। ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, वेजोडाइलेशन हो जाती है, ताकि वेजोडाइलेशन हो और उस तरफ ब्लड का फ्लो बढ़े, और ब्लड का फ्लो बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए उस सिस्टम्स को, उस सेल्स को जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आपके जो लंग्स होते हैं, यूँ समझ, आपके जो लंग्स होते हैं ये ज़रा डिफरेंट किस्म के होते हैं भाई, हैं। ये कहते हैं जी वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो क्यों, वो कहते हैं अगर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो तो उस साइड पर हम वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, वेजो डाइलेशन नहीं करते, उस साइड पर हम वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। वो क्यों, वो कहते हैं जी देखे, वो कहते हैं मेरे पास एक एल्वियोलाई है, मेरे पास कहते हैं दो एल्वियोलाई है, एक एल्वियोलाई ये है, एक एल्वियोलाई ये है, दो साइड से लंग्स की, मेरे पास कहते हैं दो एल्वियोलाई है। अब वो कहते हैं अगर ये भी एल्वियोलाई वन, एल्वियोलाई टू, वो कहते हैं मेरा काम क्या है, मेरा काम है ऑक्सीजनेशन करना, कि ब्लड को ऑक्सीजन देना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेना। वो कहते हैं इस वाले एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं इधर वेजो कंस्ट्रिक्शन करूंगा ताकि इधर ब्लड कम जाए। क्यों, क्योंकि इधर ऑक्सीजन ही कम पड़ी हुई है, मैं लेने ही ऑक्सीजन जा रहा हूं लेकिन यहां पर ऑक्सीजन ही कम पड़ी हुई है, तो मुझे कम ब्लड इधर भेजना है ताकि वो कम ऑक्सीजन को लेके आ जाए। और ए टू में ऑक्सीजन क्या पड़ी हुई है, इस वाले एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़रा पड़ी हुई है, तो मैं इधर वेजो डाइलेशन करता हूँ, इधर मैं क्या करता हूँ, वेजो डाइलेशन करता हूँ ताकि इस तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा जाए, और क्योंकि इस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भी ज़रा पड़ी हुई है तो उस ऑक्सीजन को लेने के लिए मुझे ज़्यादा ब्लड भेजना पड़ेगा। भाई यही काम होता है ना लंग्स का, लंग्स कहते हैं भी ब्लड को, भाई आप हमें ऑक्सीजन दे दें, ब्लड को बोलते हैं, अब हमें ऑक्सीजन, सॉरी लंग्स क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं ब्लड को आप हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे दें, हमसे ऑक्सीजन ले लें। तो ब्लड कहते हैं भी ठीक है, वो कहते हैं जी जहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन की कमी है उधर मैं वेजो कंस्ट्रिक्शन कर लूँगा ताकि उधर ब्लड कम जाए, और जहाँ पर ऑक्सीजन की ज्यादती है उधर वेजो डाइलेशन हो जाती है ताकि उधर ब्लड ज्यादा जाए, ज्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए ज्यादा ब्लड जाए और कम ऑक्सीजन को लेने के लिए कम ब्लड जाए। लेकिन आपके सिस्टम ये डिफरेंट होता है कि सिस्टम में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है उधर ब्लड वेसल्स की वेजो डाइलेशन होती है ताकि उस तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो और ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो आपके सेल्स को। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, होप्स होकर समझ आ गया होगा। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि लंग्स जो है ना वेल डेवलप नहीं होते फीटस में, वे टॉकिंग अबाउट द फीटस, जब लंग्स वेल डेवलप नहीं होते तो उधर, जब वो डेवलप नहीं होते तो उधर ऑक्सीजन की क्या होती है भाई, वो इनहेल नहीं करते ना, जब डेवलप ही नहीं है तो इनहेल ही नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेके जाएंगे लंग्स, तो लंग्स में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है तो उधर क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है, तो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस वक्त उधर रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा कि कम, ऑफकोर्स वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा। तो आपके लंग्स में रेजिस्टेंस क्या होगी भाई, इधर ज़्यादा, जब लंग्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये जो 30% ब्लड राइट एट्रिया से, राइट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा था तो वो लंग्स में नहीं जाएगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये कहाँ जाता है, फिर इधर होती है आपकी डक्टस आर्ट्रियोसिस, क्या होती है, डक्टस आर्ट्रियोसिस। फिर ये डक्टस आर्ट्रियोसिस क्या होती है, डक्टस आर्ट्रियोसिस एक डक्ट होती है फीटस में, जो कि आपके ये इओल्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक चैनल होता है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है, ऐसे ये इओल्टा ये आर्टरी, तो इनके बीच में ऐसे एक चैनल होता है जिनको कनेक्ट कर रहा होता है। तो जो ब्लड है वो इस डक्टस आर्टरियोसिस के जरिए होता हुआ आपके इओल्टा में चला जाएगा। अब इओल्टा में एक ब्लड यहाँ से आया था लेफ्ट वेंट्रिकल से, और एक ब्लड यहाँ से आ रहा है राइट वेंट्रिकल से। अब इसमें ब्लड मिक्सड है, इसमें दोनों ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन याद करें इओल्टा में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला था, वो जो मैक्सिमम ब्लड था वो तो हेड एंड नेक सप्लाई हो गया था, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम बचा और इधर से भी ब्लड 30% ये वाला ब्लड भी आ रहा है, ये वाला ब्लड भी आ रहा है, तो इधर दोनों ब्लड इकट्ठे हो गए। तो ये जो ब्लड है ये सारा फिर डिसेंडिंग इओल्टा के जरिए पूरी बॉडी को सप्लाई होगा, फिर पूरी बॉडी के जरिए होता हुआ इस डिसेंडिंग इओल्टा के जरिए होता हुआ इंटरनल इलेक आर्टरी, और फिर इंटरनल इलेक आर्टरी के जरिए होता हुआ अम्बिलिकल आर्टरी में ड्रेन होगा, फिर अम्बिलिकल आर्टरी जिसमें अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि मोस्टली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो फीटस की बॉडी है वो इसको यूज कर चुकी होगी। तो ये जो ब्लड है वो अम्बिलिकल आर्टरी के जरिए होता हुआ फिर आपके प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से दोबारा मदर के अंदर चला जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी फीटस सर्कुलेशन बिफोर बर्थ। आई एम सॉरी आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो गुजारा करें, कॉपरेट करें। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जिसको समझ नहीं आया मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सुनो जी, वो कहते हैं बिफोर बर्थ सबसे पहले क्या होगा, वो कहते हैं सबसे पहले मदर से प्लेसेंटा में ब्लड आता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन इसकी 80% और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 30%। प्लेसेंटा के जरिए आता हुआ ये अम्बिलिकल वेन में आता है। अब अम्बिलिकल वेन से जब ब्लड आगे जाता है तो उसके पास दो रास्ते हैं,
या तो लीवर में चला जाए या फिर डक्टस विलोसस में चला जाए। तो ये लीवर में नहीं जाता, क्यों? क्योंकि अभी लीवर वेल डेवलप नहीं है, अभी वो बन रहा है, अभी बना नहीं है। तो जब नहीं बना तो उधर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। जब उधर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ब्लड ज्यादा रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाता, कम रेजिस्टेंस डक्टस विलोसस में चला जाता है। तो वो डक्टस विलोसस के जरिए होता हुआ इन्फीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में चला गया। इसमें अब ऑक्सीजन सैचुरेशन 80%। अब ऊपर से हेड एंड नेक से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो भी ड्रेन होता है और वो भी सुपीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में ब्लड मिक्स है, ऑक्सीजनेटेड भी है डीऑक्सीडेटेड भी है, लेकिन मोस्टली कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके डक्टस विलोसस के जरिए, अम्बिलिकल वेन के जरिए। अब क्योंकि आपके मैंने कहा राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा होता है और लेफ्ट 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 साइड में ब्लड क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, क्यों होता है मैं बताता हूँ। फिर यहाँ से जो ब्लड है वो यहाँ से फोरमेन ओवेल के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वाला ब्लड आपके असेंडिंग यूल्टा में, यूल्टा से फिर हेड एंड नेक को सप्लाई होता है। अब दूसरी चीज़, 30% ब्लड यहाँ से नीचे आता है आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वो लंग्स में नहीं जाता, क्यों? क्योंकि लंग्स वेल डेवलप नहीं है, वेल डेवलप नहीं है लंग्स, तो उधर ऑक्सीजन की क्या है, इनहेल नहीं करते वो, ऑक्सीजन की कमी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है तो रेजिस्टेंस क्या होगी ज्यादा, तो उधर ब्लड नहीं जाएगा। ब्लड किसके जरिए जाएगा, ब्लड आपके जो है ना इस डक्टस आर्टेरियोसस के जरिए आपके यूल्टा में जाएगा, यूल्टा से पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। जब वो पूरी बॉडी को सप्लाई होगा तो उसको ऑक्सीजन देगा बॉडी को और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो जब हम इधर पहुंचते हैं ब्लैकल इंटरनल इलेकार्टी के जरिए ब्लैकल आर्टरी में पहुंचते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। मेरी स्पीड आई थिंक तेज है, चलिए मैं स्लो कर लेता हूँ। तो फिर इस अम्बिलिकल आर्टरी के जरिए ब्लड जो है वापस आपके प्लेसेंटा के जरिए मदर को क्या होता है, मदर में पहुंच जाता है। और एक और पॉइंट मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि सिस्टेमिक ब्लड वेसल में क्या होता है, जब उधर ऑक्सीजन की कमी होती है किसी सेल्स को तो उधर ब्लड वेसल डायलेट करती है ताकि उन ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई उन सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो सॉरी ब्लड फ्लो ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा। और लंग्स ब्लड होते हैं, लंग्स कहते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की है ही कमी तो ब्लड साहब आप कम है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करें क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो इधर कम ब्लड भेजे। यार देखिए, लेट्स सपोज दैट ये आपके लंग्स हैं, इसके दो एरिया हैं, एक एल्वियोला यहाँ पड़ा हुआ है, एक एल्वियोला यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ एक वेसल इधर जा रही है, एक वेसल इधर जा रही है। तो वो कहता है इधर ऑक्सीजन की कमी है, इधर ऑक्सीजन क्या पड़ी हुई है, ज़्यादा। तो वो कहता है जहाँ पर ऑक्सीजन कम पड़ी हुई है तो मैंने इधर ब्लड कम भेजना है, तो इधर मैं कंस्ट्रिक्शन कर लेता हूँ ताकि कम ब्लड कम ऑक्सीजन लेके आए, तो इधर ऑक्सीजन ज़्यादा पड़ी हुई है तो इधर मैं डायलेशन कर लेता हूँ ताकि डायलेशन के लिए ज़्यादा ब्लड जाए और ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आए। तो ये उलट होता है कि जहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ पे डायलेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, लेकिन सिस्टम में कॉलट होता है। तो ये था सारा। अब एक चीज़ रह गई है, वो क्या थी कि आपके जो फीटस होता है उसमें राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है और लेफ्ट साइड में प्रेशर कम क्यों होता है हार्ट के, इसको देख लें। तो वो कहता है कि सर जी, वो कहता है जी बात सुनो, वो कहता है आपने कहा कि अभी लंग्स में रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अगर लंग्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो लंग्स में ब्लड कौन सी साइड भेज रही है, राइट साइड के लेफ्ट साइड, ऑफ कोर्स राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में ब्लड जा रहा है ना। तो लंग्स में ब्लड भेजने के लिए, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इधर ब्लड भेजने के लिए आपके राइट वेंट्रिकल को बड़ा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है भाई, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इधर ब्लड भेजने के लिए आपके राइट वेंट्रिकल को बहुत फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसीलिए आपके राइट साइड में ब्लड का प्रेशर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, क्योंकि वो वेल डेवलप नहीं होती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। चले जी, ये आई होप सो दैट कि बिफोर बर्थ आपको समझ आ गया। चले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम आफ्टर बर्थ देखते हैं कि आफ्टर बर्थ क्या होता है। किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ ले, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, मैं इसको साफ कर लूँ, आप देख लें अगर कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको साफ करके फिर हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो वैसे आसान था, मुश्किल कोई है नहीं, मैं देखिए रीडिंग करता हूँ, आपको फिर मज़ीद आसान लगेगा। या अल्लाह, चलो जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर बर्थ वो कहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द अम्बिलिकल वेन फ्रॉम मदर सर्कुलेशन वे प्लेसेंटा, ब्लड इन द अम्बिलिकल वेन हैज पार्शियल प्रेशर ऑफ 30 mmHg एंड 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड आया वो यहाँ से प्लेसेंटा के मदर के जरिए इधर अम्बिलिकल वेन में आया, 80% सैचुरेशन है, 30% उसकी वो है पार्शियल प्रेशर। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ अम्बिलिकल वेन डक्ट कंडक्ट्स वी आर द डक्टस विलोसस बाईपासिंग द हेपेटिक सर्कुलेशन, तो वो हेपेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाता, इसको बाईपास करता है, क्यों? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा, तो इसमें वो नहीं जाता, इसके जरिए सीधा इन्फीरियर वेना एंड इवेंचुअली इंटर्स द राइट एट्रियम वी आर इन्फीरियर वेना केवा, ब्लड बाईपास द हेपेटिक सर्कुलेशन, क्यों? बिकॉज देयर
वो वेल डेवलप नहीं है अभी इन फीटस फीटस के अंदर. सो हिपेटिक सर्कुलेशन हैज हाई रेजिस्टेंस फॉर ब्लड, दैट्स व्हाई ब्लड मूव्स इनटू डक्टस मेडुलोसम जिसमें लो रेजिस्टेंस है, इंस्टेड ऑफ हिपेटिक सर्कुलेशन जिसमें हाई रेजिस्टेंस है. ऊपर से ये पहली बात. दूसरी बात, डी ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम हेड एंड नेक ऑफ फीटस ऑल्सो ड्रेन्स इनटू राइट एट्रियम वियस स्पिनल वेना केवा. तो हेड एंड नेक से जो डी ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो भी इधर से ड्रेन होता है आपके स्पिनल वेना केवा के जरिए इधर आ जाता है. तो दो चीजें. सो राइट एट्रियम हैज मिक्स्ड ब्लड विद लेस ऑक्सीजन सेचुरेशन एज कम्पेयर टू अम्बिलिकल. अब देखें अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड आया था उसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन थी ऑक्सीजन की. अब क्योंकि ब्लड मिक्स हो गया तो अब इसमें ऑक्सीजन की सेचुरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा एंड डी ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, तो ये मिक्स हो जाएगा. अब राइट एट्रियम में ब्लड पहुंच चुका है जो कि मिक्स ब्लड है. अब आगे क्या होता है, वो कहते हैं इन अ फीटस राइट एट्रियल प्रेशर इज हायर देन लेफ्ट एट्रियल प्रेशर. क्यों? क्योंकि राइट एट्रियल को ब्लड भेजना, आपका जो राइट साइड है वो ब्लड उसको भेजना पड़ता है आपके लंग्स में, और लंग्स में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है. तो उधर ब्लड को भेजने के लिए आपके राइट साइड को जरा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. जब वो जरा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको प्रेशर भी तो ज्यादा चाहिए होता है ना भाई, तो इसलिए राइट साइड का प्रेशर क्या होता है, फीटस पे ज्यादा होता है. ठीक है, लेकिन जब आफ्टर बर्थ प्रेशर राइट साइड का कम होता है और लेफ्ट साइड का ज्यादा होता है वो भी बताता हूँ वो फिर कैसे चेंजेस आती है. सो 70% जो ब्लड होता है वो मूव करता है आपके राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में वियर फोरमेन ओवेल. तो यहाँ से वो फोरमेन ओवेल के जरिए इधर आ गया. तो लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इवेंचुअली इनटू एओर्टा दैट सप्लाइज मोस्टली हेड एंड नेक. तो हेड एंड नेक गेट्स मोर ऑक्सीडेटेड ब्लड एज कम्पेयर टू अदर बॉडी. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. उसके बाद देखें नेक्स्ट, 30% ऑफ द राइट एट्रियल ब्लड इंटर्स द राइट वेंट्रिकल एंड देन इनटू पल्मोनरी ट्रंक. ब्लड ड्रेन्स इनटू एओर्टा फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक वियर डक्टस आर्टेरियोसस बाईपासिंग द लंग्स. अब ये लंग्स में नहीं जाता. क्यों? क्योंकि लंग्स में हाई रेजिस्टेंस होते हैं, वो वेल डेवलप नहीं होते. क्यों? क्योंकि लंग्स में जो है ना वो स्टिल वेल डेवलप नहीं है, नॉन फंक्शनल है, तो वो ब्रीथ नहीं कर सकते. जब वो सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम. जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया. देखें वो कहता है नॉर्मली हाइपोक्सिया कॉजेस वैसोडायलेशन इन सिस्टेमिक वेसल्स बट हाइपोक्सिया लीड्स टू वैसोकंस्ट्रिक्शन इन पल्मोनरी वेसल्स. सो पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन लीड्स टू इंक्रीज पल्मोनरी रेजिस्टेंस. पल्मोनरी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ब्लड मूव्स इन डक्टस आर्टेरियोसस लो रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ हाई रेजिस्टेंस. तो ब्लड डक्टस आर्टेरियोसस के जरिए होता हुआ एओर्टा में चला जाता है ये वाला ब्लड भी. ठीक है, इधर नहीं जाता, इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, हाइपोक्सिया. रिमेंबर रीजन फॉर वैसोकंस्ट्रिक्शन फॉर पल्मोनरी वेसल्स इन हाइपोक्सिया, द पल्मोनरी कैपरीज नियर हाइपोक्सिक एल्वियोलाई. वो वाली पल्मोनरी कैपरीज जो उस एल्वियोलाई को सप्लाई कर रही है जिधर हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन की कमी है, अंडरगो वैसोकंस्ट्रिक्शन. क्यों? दिस पुशेस द ब्लड अवे फ्रॉम हाइपोक्सिक एल्वियोलाई, कि जो हाइपोक्सिक एल्वियोलाई है उधर ब्लड की सप्लाई ना हो, क्योंकि उधर ऑक्सीजन भी कम है तो उधर कम ब्लड की सप्लाई हो ताकि वो कम ऑक्सीजन को लेके आए. एंड शंट्स ब्लड टुवर्ड्स वेल वेंटिलेटेड एल्वियोलाई, उन एल्वियोलाई की तरफ ब्लड ज्यादा जाए जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है. एल्वियोलाई विद मोर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल रिसीव बेटर ब्लड सप्लाई, उधर ब्लड भी ज्यादा ऑक्सीजन भी ज्यादा, तो फॉर इफेक्टिव वेंटिलेशन गैस ऑक्सीजन, तो वहां से फिर वो ज्यादा ऑक्सीजन को ले सकेंगे ब्लड लंग से. तो ये था. अब ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस इन लंग्स राइट साइड ऑफ द हार्ट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल नीड टू जनरेट हाई प्रेशर टू पंप द ब्लड इनटू हाई प्रेशर पल्मोनरी सर्किट, दैट्स व्हाई द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज हायर प्रेशर देन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन द फीटस. ओके, अच्छा, मिक्स्ड ब्लड इन द एओर्टा. अब जो एओर्टा में ब्लड पहुंचे हैं मिक्स्ड ब्लड, एक इधर से है एक इधर से है, जो यहां पे पहुंच चुका है वो इसकी बात कर रहा है. मिक्स्ड ब्लड फ्रॉम इन द एओर्टा फ्रॉम राइट एट्रियम से भी आया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से भी आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी आया, सप्लाई टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन इंटर्स द अम्बिलिकल आर्टरी दैट ड्रेन्स ब्लड बैक इनटू मदर सर्कुलेशन. अम्बिलिकल आर्टरी हैज लो ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफकोर्स, क्योंकि वो जो ब्लड आ रहा था यहाँ से उसने जो है ना ऑक्सीजन जो है ना सेल्स को सप्लाई की, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो लो ऑक्सीजन सैचुरेशन है. तो ये था बिफोर द बर्थ जो है ना ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन सैचुरेशन होती है वो कैसे और क्या होती है. अब आफ्टर बर्थ क्या चीजें आती हैं वो हम देखते हैं. बस थोड़ा सा रह गया, आधा लेक्चर ऑलमोस्ट हो गया. अब ये तो था फीटल सर्कुलेशन बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ क्या होती है ये देख लें. अब वो कहता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये क्या कर दिया जाता है, कट है ना. अम्बिलिकल कॉर्ड तो हमने कट करना है जैसे बच्चा पैदा हुआ. जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कट हुआ तो अब आपकी जो अम्बिलिकल वेन थी ये वाली, उसको ब्लड की सप्लाई जाएगी, नेवर 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 नेवर. क्यों? क्योंकि अब प्लेसेंटा कट हो गया, मदर से रब्ता उसका खत्म हो गया आफ्टर बर्थ, तो यहाँ से ब्लड नहीं आएगा, ना यहाँ से ब्लड आएगा अम्बिलिकल वेन में और ना ही अम्बिलिकल आर्टरी के जरिए ब्लड वापस जाएगा आपके प्लेसेंटा में. दोनों रास्ते क्या हो गए, कट हो गए, ना ही ब्लड आ रहा है ना ही ब्लड जा रहा है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड ही नहीं है. तो अब जब इधर से ब्लड आ ही नहीं रहा तो बच्चे को ब्लड की सप्लाई कहाँ से जाएगी भाई. अब देखिए बच्चा अपना ब्लड तो बनाता है ना,
अपना ब्लड तो बच्चा बनाता है, तो अब जो अपना ब्लड है वो चेंजेस किस तरह किया था, इधर से ब्लड आ ही नहीं रहा। जैसे ही बच्चा पैदा होता है ये कट करना पड़ता है, जैसे ही कट किया बच्चा पैदा जैसे ही होता है तो बच्चा क्या करता है, क्राइज करता है, क्राइज करता है, चिल्लाता है। जैसे ही बच्चा चीख निकालता है, जैसे ही बच्चा चीख निकालता है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, लंग्स क्या करना शुरू कर देते हैं काम, तो वो बच्चा इनहेल करता है फौरन। तो जैसे ही बच्चा इनहेल करता है तो अब जो लंग्स हैं उसमें जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा। जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है लंग्स में, वहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है कि वेजो डायलेशन होती है, बताओ मुझे, वेजो डायलेशन। तो उसकी जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है, जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन कम होती है उधर वेजो डायलेशन होती है, जब वेजो डायलेशन होती है तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होती है, जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है भाई, कम। उधर रेजिस्टेंस, लंग्स में रेजिस्टेंस कम, प्रेशर कम, जब लंग्स में रेजिस्टेंस कम प्रेशर कम, तो अब आपके राइट साइड को, आपके राइट साइड को इन लंग्स में ब्लड भेजने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कम फोर्स लगानी पड़ेगी, यार अब तो इधर रेजिस्टेंस नहीं है पहले, इसलिए राइट साइड को इसलिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही थी, इसलिए प्रेशर ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि इधर लंग्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, है उधर ब्लड भेजने के लिए उसको ज़रा फोर्स लगानी पड़ रही थी, अब तो उधर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो इसको ज़रा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, अब ये बड़ा आराम से लंग्स में थ्रू करेगा, इसको बड़ा आराम से फेंकेगा, तो उधर जो राइट साइड का प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, आपका राइट साइड हार्ट का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो अब आपके राइट प्रेशर जो है ना वो लेफ्ट प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम। अब राइट साइड को जो है ना वो लंग्स में इसलिए प्रेशर भेजना पड़ रहा है, जबकि लेफ्ट साइड को प्रेशर यहाँ से एओर्टा से भेजकर पूरी बॉडी को भेज रहा है, इसलिए लेफ्ट साइड में प्रेशर क्या होता है ज़्यादा और राइट साइड में प्रेशर क्या होता है, कम होता है आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ क्यों, क्यों राइट साइड में जा रहा होता है, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा लंग्स में, तो लंग्स में ब्लड को भेजने के लिए इसको बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए राइट साइड में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। आफ्टर बर्थ तो बच्चे ने क्या लिया, सांस लिया, क्राई किया, तो उसने सांस लिया, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो वहां पर वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेजो डायलेशन होगी। जैसे ही वेजो डायलेशन होती है तो डायलेशन से यार ये वेसल डायलेट कर गई है और एक वेसल वेजो कंस्ट्रिक्ट कर गई, तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। जैसे ही रेजिस्टेंस कम होती है तो राइट साइड का प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम होता है, वो बड़ा इजीली इसको फेंक पाता है, जबकि लेफ्ट साइड को बड़ा जोर लगा के पूरी बॉडी को सप्लाई करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके जो राइट साइड का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और लेफ्ट साइड का प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा। अब दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ अब देखें, इधर कौन सा ओवेल था, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल था, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में फोरामेन ओवेल था, तो ब्लड जो है वो राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में जा रहा था। अब क्या होगा, अब फोरामेन इधर, अब लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा है और राइट साइड में प्रेशर कम है, जैसे ही लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो इस जो आपका ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है वो उसको यहाँ से पुश करता है और इधर की तरफ धकेलता है। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है, ये एक ऐसे पड़ा होता है और एक सेप्टम ऐसे पड़ा होता है, तो इधर से ब्लड का प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो वो इसको धकेल के इसके साथ मिला देता है, तो ये इसको क्लोज कर देता है। जैसे ही इसके साथ क्लोज करता है तो आपको जो फोरामेन ओवेल होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो जो वो होल होता है आफ्टर बर्थ वो क्या हो जाता है, क्लोज। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा राइट साइड में प्रेशर कम, वो इधर से फोर्स डालता है, उसको क्या कर देता है, वो क्लोज कर देता है, तो वो जैसे ही क्लोज होता है तो ये अब फोरामेन ओवेल क्या हो गया, क्लोज। तो फोरामेन ओवेल जब क्लोज होता है तो उसके पीछे जो चीज़ बाकी रह जाती है ये वाली जो क्लोयर होती है उसको आप बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो पूछता है कि व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल, तो आप कहेंगे फोसा ओवेलिस। तो ये चीज़ समझ आ गई। दूसरा कंसेप्ट कि जब लेफ्ट साइड में प्रेशर बढ़ेगा तो वो इधर से सेप्टम को पुश करेगा, तो वो दूसरे सेप्टम के साथ फ्यूज करेगा, जब फ्यूज करेगा तो फोरामेन ओवेल क्या हो जाएगा, क्लोज, और पीछे जो रेमिनेंट रह जाएगा वो फोसा ओवेलिस होगा। ओके, आई एम सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, नंबर थ्री चीज़ जो चेंजमेंट इसमें आती है, नंबर तीसरी चीज़ कौन सी चेंजमेंट आती है, इसको भूलना नहीं है आपने, कि राइट साइड में प्रेशर बढ़ा, लेफ्ट साइड में प्रेशर कम हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि फोरामेन ओवेल क्या हो गया, क्लोज हो गया। तीसरी चीज़, ये प्रॉब्लम क्यों है, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ यह है कि ये जो डक्टस आर्टेरियोसस होती है, ये वाली जो एओर्टा और आर्टरी के बीच में होती है, इसको ओपन कौन रखता है भाई, ये क्यों ओपन रहती है। इसके ओपन रहने की दो तीन वजूहत होती है। सबसे पहले कि जब लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो लंग्स जो है ना वो ब्रेडिकाइनिन कम रिलीज करते हैं। ब्रेडिकाइनिन क्या करते हैं, कम रिलीज करते हैं। पहली चीज, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम तो लंग्स ब्रेडिकाइनिन कम रिलीज कर रहे हैं। तीसरी चीज कि आपका जो प्लेसेंटा होता है उससे प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज होता रहता है। ये अब तीन चीजें, इसका लेवल समझे ज्यादा होता है, तीन चीजें होगी। अब वो कहता है कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो, ब्रेडिकाइनिन का लेवल कम हो और प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2 का लेवल ज्यादा हो तो आपकी जो डक्टस आर्टेरियोसस है ये ओपन रहती है। ये क्या रहती है, ओपन रहती है। लेकिन आफ्टर बर्थ,
आफ्टर बर्थ क्या होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है वो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ी तो लंग्स ब्रेडीकरेट ज्यादा रिलीज करते हैं, ब्रेडीकरेट का लेवल बढ़ गया, और आफ्टर बर्थ जो आपका प्लेसेंटा है आप उसको कट कर देते हैं। जैसे ही प्लेसेंटा कट हो जाता है तो क्या प्लेसेंटा ही कट हो गया है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्लेसेंटा रिलीज कर रहा था, तो अब ये रिलीज नहीं हो गए तो इनका लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सारा प्रोसेस उलट हो गया तो आपकी जो डक्टस आर्टेरियोसस ऊपर होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो इस तरह आपकी जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो आफ्टर बर्थ क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ये तीसरा काम कि ये देखें ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ी, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हुआ, क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा ही नहीं है, ब्रेडीकार्डिया का लेवल इंक्रीज हुआ, तो आपकी जो डक्टस आर्टेरियोसस थी वो क्या हो गई भाई, क्लोज हो गई। ये आपकी तीसरी चीज हो गई, इसको फिर सुन ले। वो कहता है कि ओपन कब रहती है, जब ऑक्सीजन की लेवल कम हो, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी मेक सम ब्लू कलर। वो कहता है जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो लंग से ब्रेडीकार्डिया कम रिलीज होता है, और जब बच्चा अभी फीटस है तो प्लेसेंटा लगा हुआ होता है, तो प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2 रिलीज करता रहता है, तो इसका लेवल ज्यादा होता है, डक्टस आर्टेरियोसस ऊपर रहती है। लेकिन आफ्टर बर्थ बच्चा चिल्लाता है, सांस लेता है, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो लंग्स ज्यादा ब्रेडीकार्डिया, लंग्स से ब्रेडीकार्डिया रिलीज होता है, ब्रेडीकार्डिया का लेवल बढ़ जाता है, और प्लेसेंटा को हम रिमूव कर देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2 का लेवल क्या हो जाता है, कम, तो सारा प्रोसेस उलट, तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ये तीसरी चीज, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, पहली चीज क्या थी, राइट एट्रियल का प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट एट्रियल का प्रेशर कम हो जाएगा, राइट साइड का प्रेशर कम हो जाएगा लेफ्ट साइड से। दूसरी चीज फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाएगा और फोसा वेलस पीछे रह जाएगा। तीसरी चीज आपकी डक्टस आर्टेरियोसस क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी आफ्टर बर्थ। अब नेक्स्ट क्या होता है जी, अब इसकी सर्कुलेशन बढ़ाता हूँ। ये कुछ चेंजेस थी आपने देख ली, अब मैं आपको इसकी सर्कुलेशन बढ़ाता हूँ। अब मैं आपको इसकी क्या पढ़ाता हूँ, सर्कुलेशन। ओके, अब सर्कुलेशन देखिए, अब आफ्टर बर्थ सर्कुलेशन कैसे होती है, बिफोर बर्थ आपने देख ली, आफ्टर बर्थ कैसे। अब देखें, आपके राइट एट्रियम में ब्लड पड़ा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहाँ से आया ये मैं बताता हूँ कहाँ से आया। अब राइट एट्रियम में ब्लड पड़ा हुआ है, जो ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा और नीचे से इन्फीरियर वेना कैवा। अब जो इन्फीरियर वेना कैवा का ब्लड है वो याद रखें वो प्लेसेंटा से नहीं आ रहा, प्लेसेंटा तो कट हो गया है। अगर प्लेसेंटा से आ रहा होता तो वो ऑक्सीजनेटेड होता, अब वो प्लेसेंटा से नहीं आ रहा, अब वो इन्फीरियर वेना कैवा लंग्स वेल डेवलप हो चुके हैं, लंग्स से ब्लड आ रहा है, सॉरी नॉट लंग्स, लंग्स भी डेवलप है और लीवर, लीवर भी वेल डेवलप है। तो अब जो आपका ब्लड है वो लीवर से आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। अब राइट एट्रियम से वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि पहली चीज तो राइट एट्रियम का प्रेशर ही कम है तो वो इधर से इधर जा ही नहीं सकता, और दूसरी चीज अगर जाता भी सही तो यहां पर जो फोरामेन ओवेल था वो तो क्लोज हो चुका है, उसको तो हमने क्या कर दिया, क्लोज, तो वो इधर नहीं जाता। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। अब पल्मोनरी आर्टरी से पहले कहां जा रहा था, पहले लंग्स में रेजिस्टेंस थी ज्यादा तो वो डक्टस आर्टेरियोसस के इधर जा रहा था योल्टा में, अब वो इधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि पहली बात तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या हो गई है, क्लोज, और दूसरी चीज लंग्स में रेजिस्टेंस क्या हो गई है, कम, तो ब्लड आपका इधर आएगा। जब इधर आता है तो इधर ऑक्सीजन पड़ी हुई है, इधर उसकी ऑक्सीजनेशन होती है कि यहां से वो ब्लड ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के जरिए इधर आता है और आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट राइट एट्रियम में नहीं जा सकता, क्यों, हालांकि इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है तो इधर जा सकता था, लेकिन नहीं जाता, क्यों, क्योंकि आपको फोरामेन ओवेल क्लोज हो चुका है। तो अब यहां से ब्लड जो है ना लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो क्या जाता है आपके योल्टा में, योल्टा से वो जब यहां पे आता है तो यहां पे जब आता है तो वो यहां से, अब देखिए अब योल्टा में प्रेशर ज्यादा और आपकी पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कम है, क्यों, क्योंकि अब लंग्स में रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, राइट साइड में प्रेशर कम हो गया है, लेफ्ट साइड में प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो योल्टा से ब्लड इधर आ सकता है लेकिन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डक्टस आर्टेरियोसस क्या हो गया, क्लोज हो गई है। तो आपका जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है यहां से हेड एंड नेक को भी जाएगा और नीचे आपकी पूरी बॉडी को भी सप्लाई होगा, फिर वहां से डीऑक्सीडेटेड ब्लड दोबारा यहां से ड्रेन होता है हेड एंड नेक से, राइट एट्रियम, और फिर ये सारा चलता रहता है। ओके, सो इट वॉज आफ्टर बर्थ। तो आफ्टर बर्थ कौन सी तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई, कि राइट साइड का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया लेफ्ट साइड से, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम हो गई, अब इधर ब्लड भेजने के लिए आसानी से इसको पंप करना पड़ेगा। दूसरी चीज, लेफ्ट साइड का प्रेशर बढ़ा तो आपका फोरामेन ओवेल क्या हो गया, क्लोज, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसके क्लोज के बाद फोसा वेलस। नंबर थ्री, कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गई, ब्रेडीकार्डिया बढ़ गई, तो आपकी डक्टस आर्टेरियोसस क्या होगी, क्लोज। फिर उसके बाद मुकम्मल इसकी हमने आफ्टर बर्थ सर्कुलेशन देखी। अब इसकी रीडिंग करते हैं,
फिर आपको मुकम्मल समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो आप अभी पूछ लें जब तक मैं उसको साफ करता हूँ। कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं है, चले वेल एंड गुड। तो चले मैं इसकी टिक कराता हूँ। देखिए आफ्टर बर्थ सबसे पहली चीज़ ये होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट डाउन एंड कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस इज ब्रोकन ऑफ कोर्स। नो ब्लड सप्लाई टू द फीटस वी अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन में ब्लड अब प्लेसेंटा ही नहीं है, ब्लड ही नहीं आएगा। नो ब्लड ड्रेनेज फ्रॉम फीटस वी अम्बिलिकल आर्टरी। तो वो अम्बिलिकल आर्टरी से ना प्लेसेंटा में ब्लड जाएगा ना प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन में आएगा, प्लेसेंटा ही नहीं है। अब सबसे पहली चीज़ क्या होता है, बेबी क्राइज करता है राइट आफ्टर बर्थ एंड इनहेल्स द एयर इनटू लंग्स। तो लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एल्वोलाई में, तो दैट लीड्स टू पल्मोनरी वैसोडायलेशन। कि हमने कहा कि जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर वैसोडायलेशन होगी ताकि उस तरफ ब्लड ज्यादा जाए, ज्यादा वेंटिलेशन हो। ड्यू टू वेल वेंटिलेटेड एल्वोलाई फॉर बेटर गैस एक्सचेंज पल्मोनरी वैसोडायलेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज पल्मोनरी रेजिस्टेंस। तो वैसोडायलेशन से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो अब राइट हार्ट जो है ना उसको लेस प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा टू पंप द ब्लड इनटू लो प्रेशर पल्मोनरी सर्कुलेशन। प्रेशर ऑन राइट साइड ऑफ द हार्ट राइट एटीएम राइट वेंट्रिकल डिक्रीज होता है, बट लेफ्ट हार्ट हैज जनरेट हाई प्रेशर टू सप्लाई द ब्लड होल बॉडी। दैट्स वाई लेफ्ट हार्ट हैज हायर प्रेशर एज कम्पेयर टू राइट हार्ट आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ इसका उलट होता है, द लेफ्ट एट्रियम हैज हायर प्रेशर एज कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रियम सॉरी द लेफ्ट एट्रियम हैज हायर प्रेशर एज कम्पेयर टू राइट एट्रियम। सो सेप्टम प्राइमम फ्यूजेस विद द सेप्टम स्कैंडम एंड रिजल्ट्स इन फंक्शनल क्लोजर ऑफ द फोरमेन ओवेल। तो फोरमेन ओवेल क्लोज हो जाते हैं फौरन आफ्टर बर्थ, बट एनाटॉमिकली लेकिन एनाटॉमी के लिहाज जो उसकी शक्ल दिखाई दे रही होती है वो एक साल के बाद। ये आपके एमसीक्यूज है कि फंक्शनली फॉरवर्ड क्लियर होती है राइट आफ्टर बर्थ और एनाटॉमिकली आफ्टर 1 ईयर्स की क्लियर होती है, और जो पीछे रेमिनेंट रह जाता है उसको आप फोसा ओवेरस कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगली चीज, बिफोर बर्थ डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल इवन E2 फ्रॉम प्लेसेंटा कीप द डक्टस आर्टरियोसस ओपन। बट राइट आफ्टर बर्थ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा सांस लेता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल क्या हो जाता है कम हो जाता है क्योंकि प्लेसेंटा रिमूव हो चुका है। तो ऑक्सीजन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों इनके इनवर्सिबल है कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल हाई है तो ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है। आप खुद देख लें कि बिफोर बर्थ ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता लेकिन प्लेसेंटा होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल हाई होता है, आफ्टर बर्थ बच्चा सांस लेता है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और प्लेसेंटा नहीं होता तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम होता है, तो उलट है। और तीसरी चीज, ब्रेडिकुलेट का लेवल भी आल्सो बढ़ता है लंग्स की तरफ से, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इंक्रीज्ड ब्रेडिकुलेट। इससे क्या होती है आपके जो डक्टस आर्टरियोसस होती है उसकी क्या हो जाती है क्लियर होती है आफ्टर शॉर्ट टाइम ऑफ बर्थ। अगली चीज, सो आफ्टर बर्थ ब्लड कैन नॉट एंटर फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम ड्यू टू क्लोज फोरमेन ओवेल एंड हाई प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम। दो चीजें, पहली चीज तो अब लेफ्ट साइड में प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड इधर जा नहीं सकता राइट से लेफ्ट, और अगर जाना भी चाहे तो फोरमेन ओवेल क्या है क्लोज है। डी ऑक्सीडेटेड ब्लड इंटर्स फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी सर्कुलेशन लो रेजिस्टेंस अब उधर एंड कैन नॉट एंटर द एओर्टा ड्यू टू क्लोज्ड। अब वो इधर से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए एओर्टा भी नहीं जा सकता क्योंकि ये क्लोज है, क्लोज आर्टरियोसिस और हाई प्रेशर एओर्टा में इसलिए नहीं जा सकता। ब्लड गेट्स ऑक्सीडेटेड इन लंग्स एंड लेफ्ट एट्रिया रिसीव्स ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स। ब्लड इंटर्स लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया इवेंचुअली इनटू एओर्टा एंड कैन नॉट एंटर फ्रॉम एओर्टा टू पल्मोनरी ट्रंक ड्यू टू क्लोज्ड डक्टस आर्टरियोसिस। एओर्टा सप्लाइज द ब्लड सप्लाई टू द होल बॉडी। अच्छा, डी ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी ड्रेन्स इनटू राइट एट्रियम वेयर इंटरवेना केवा एंड स्पिनोवेना केवा देन इंटर्स पल्मोनरी सर्कुलेशन फॉर ऑक्सीजनेशन। अच्छा, एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कि ये जो आपका डक्टस आर्टरियोसिस होता है ये ओपन रह जाता है। इसको क्लोज कौन करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो, ब्रेडिकुलेट का लेवल ज्यादा हो तो ये क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर ये क्लोज ना हो, ये क्लोज ना हो, ये ओपन रहे तो आपका जो एओर्टा का जो ब्लड है क्योंकि एओर्टा में प्रेशर क्या होता है ज्यादा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर होता है कम आफ्टर बर्थ, तो आपका जो ब्लड है वो एओर्टा से ऑक्सीडेटेड ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी में आता रहता है और इधर जो ब्लड जाता है वो मिक्स्ड ब्लड होता है ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड। ठीक है, तो ये मिक्स्ड ब्लड होता है, शंट होता है आपका, एओर्टा से ब्लड आता है आपकी पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये एक डिजीज है, इसको डिटेल में हम जो है ना आगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की पैथोलॉजी में देखेंगे, बट अभी आप इतना देख लें कि आप परसिस्टेंट पैथोलॉजिकल ओपनिंग बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा इट अलाउज द ऑक्सीडेटेड ब्लड शंटिंग फ्रॉम एओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी। अब इसको हमने बंद कैसे करना है, ये एक डिजीज है आफ्टर बर्थ पेशेंट को होती है, बच्चा जब पैदा होता है कभी कभी, तो इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। एंडोमेथासिन जो ड्रग है वो बड़ी हेल्पफुल होती है जो कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या कर देती है क्लोज कर देती है, और बाद दफा अगर ये क्लोज ना हो एंडोमेथासिन ड्रग से भी
तो इसको सर्जिकल क्लियर कर देते हैं, सर्जिकल करके इसको बंद कर देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एंडोमेथेसिस जो है इसको क्लोज करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओ माय गॉड, ये हो गया। अब कुछ पोस्ट फीटल पोस्ट नेटल डेरिवेटिव्स, कि वो वाली चीजें जो फीटस में कुछ और थी और जब बच्चा पैदा होता है पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ तो उसमें वो चीजें कुछ और बन जाती है। तो देखिए सबसे पहली चीज डक्टस आर्टरियोसिस, यही वाली चीज। ये देखें कि आपका ये देखें, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर। तो ये देखें, ये आपका योल्टा, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो इनके बीच में ये जो इधर क्या होती है, डक्टस आर्टरियोसिस होती है। क्या होती है? डक्टस आर्टरियोसिस बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ होती है डक्टस आर्टरियोसिस। तो जब आफ्टर बर्थ तो डक्टस आर्टरियोसिस ओब्लेटेड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसके पीछे जो चीज बाकी रह जाती है इसको जो रेमिनेंट होता है दैट इज कॉल्ड लिगामेंटम आर्टरियोसम। तो ये आपका क्या बन जाता है? लिगामेंटम आर्टरियोसम। तो ये एक लिगामेंट होता है जो कनेक्ट करता है आपके इओल्टा और पल्मोनरी आर्टरी को आफ्टर बर्थ, और इन दोनों को ये सपोर्ट भी करता है। क्या करता है? सपोर्ट भी करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये पड़ा होता है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के पास। इसके पास क्या पड़ी होती है? लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, जो कि वेगस नर्व की ब्रांच होती है। ठीक है, जो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वेगस नर्व, उसकी ब्रांच होती है लेफ्ट लैरिंजियल, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, उसके पास पड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कहता है कि क्या कहता है? वो कहता है जब फीटस था तो डक्टस आर्टरियोसिस थी, जब बच्चा पैदा हुआ तो अब लिगामेंटम आर्टरियोसम है, और लिगामेंटम आर्टरियोसम क्लोज पड़, इसके क्लोज पड़ी होती है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, जो कि वेगस नर्व की ब्रांच है, ये इसके पास पड़ी हुई होती है, और ये सपोर्ट करता है आपके इओल्टा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों को। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। उसके बाद दूसरी चीज यहां पे क्या था, यहां पे आपने कहा था फोरमेन ओवेल है बिफोर बर्थ। जब जैसे ही बर्थ होती है तो फोरमेन ओवेल क्लोज होता है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा होता है राइट एट्रियम से, तो वो उसको क्लोज कर देता है। तो पीछे जिसका रेमिनेंट रह जाता है वो क्या है? फोसा वेलस है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले पढ़ा दी है। दूसरी चीज थी। अब तीसरी चीज कौन सी है? ये अच्छा, डक्टस विनोसिस, डक्टस विनोसिस। अब ये आपकी डक्टस विनोसिस। अब बिफोर बर्थ क्या थी? डक्टस विनोसिस। बिफोर बर्थ क्या थी? डक्टस विनोसिस। जैसे ही बर्थ होती है तो डक्टस विनोसिस बन जाता है लिगामेंटम विनोसम। अब ये लिगामेंट बन गया है, और इस लिगामेंट का काम होता है कि लेफ्ट हिपेटिक वेन, कौन सी? लेफ्ट हिपेटिक वेन को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है? लेफ्ट हिपेटिक वेन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ओके, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या होती है? फोरामेन ओवेल हमने पढ़ लिया। चौथी चीज इलेंटोस यूरेटिस, ये क्या होता है इसको जरा देख ले। वो कहता है कि बिफोर बर्थ क्या होता है? जब बच्चा फीटस होता है तो वो इलेंटोस होता है, और वही यूरेटिस एक ही बात है। तो अब होता क्या है? इलेंटोस या फिर यूरेटिस क्या होता है? वो कहता है लेट्स सपोज दैट ये बच्चा है, ये बच्चा है, तो ये उधर उसका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, लेट्स सपोज दैट, और यहाँ पे उसका अम्बिलिकल, अम्बिलिकस है। क्या है? अम्बिलिकस है। तो वो कहता है जो आपकी यूरेटिस होती है ये क्या करती है? कहता है यूरेटिस बच्चे का जो इधर यूरिन बनता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, इधर एक डक्ट होती है जो आपके अम्बिलिकल कार्ड, अम्बिलिकल कार्ड होता है ना बच्चे का, जो कि मदर से ब्लड की सप्लाई ऐसे ले रहा होता है, और बच्चे की अम्बिलिकल कार्ड डक्टस विनोसिस के जरिए जा रहा होता है, इधर ब्लड की सप्लाई आ रही है। तो वो कहता है जो बच्चे का यूरिन है वो इस डक्ट के जरिए होता हुआ आपके इधर अम्बिलिकल वेयर में आकर ड्रेन होता है, और अम्बिलिकल वेयर के जरिए फिर वो इस तरह बच्चा जो है अपने यूरिन को क्या करता है? ड्रंक करता है, अब से कहा जाता है। तो वो जो है ना इधर से जो यूरिनरी ब्लड में जो ब्लड पड़ा है वो आपके इस ये जो डक्ट है ये वाले डक्ट, इसको कहते हैं यूरोचिस डक्ट। तो इस डक्ट के जरिए होता हुआ तो वो अम्बिलिकल वेयर में आता है, और अम्बिलिकल वेयर से फिर वो इस तरह आगे चला जाता है, ब्लड भी ड्रेन हो जाता है। तो इस तरह वो वहां से होता हुआ फिर मदर में वापस चला जाता है अम्बिलिकल आर्टरी के जरिए। तो इस तरह जो है ना ये इसको हम यूरेटिस बोलते हैं। वो कहता है यूरेटिस इज द इलेक्ट्रिक डक्ट, ये एक डक्ट होती है बिटवीन ब्लेडर, ये ब्लेडर एंड अम्बिलिकस इन द फीटस दैट अलाउज द यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर टू अम्बिलिकल कॉर्ड टू रिमूव द वेस्ट आफ्टर बर्थ। जब बर्थ हो जाता है तो आपका यूरेटिस क्या बन जाता है? मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाता है। इधर लिखा हुआ है, इधर मेरे ख्याल में नहीं लिखा हुआ, तो इधर देख लें, इधर ही देख लें, इधर ही देख लें। तो आपका ये जो डक्ट ये क्या बन जाएगी? आपकी मीडियन, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाएगा, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अब मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट का काम क्या होता है कि ये आपके यूरिनरी ब्लैडर को, इस आपके यूरिनरी ब्लैडर को क्या करता है? कनेक्ट रखता है किसके साथ? अब यूरिनरी ब्लैडर को आपकी जो अम्बिलिकस होती है यहाँ पे उससे क्या रखता है? कनेक्ट रखता है, और उसको क्या देता है? सपोर्ट देता है आपके ब्लैडर को। तो ये इसका काम होता है। तो फिर सुन लें, वो कहते हैं अलेंटोस या फिर यूरेटिस क्या होती है? वो कहता है यूरिनरी ब्लैडर और आपकी जो अम्बिलिकल जो वेन होती है उसके दरमियान में एक डक्ट होती है दैट इज कॉल्ड यूरेटिस। इसका काम होता है कि यूरिनरी ब्लड बच्चे का जो ब्लड यूरिन बन रहा है वो यूरिन यहाँ से इस डक्ट के जरिए अम्बिलिकल वेन से होता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, दोबारा मदर में वापस चला जाता है, वो सारे प्रोसेस के जरिए। अब आफ्टर बर्थ आपका ये जो डक्ट है ये खत्म होकर क्या बन जाती है? मीडियन, आई ए एन, मीडियन अम्बिलिकल
लिगामेंट बन जाता है जो कि आपके ब्लड कॉम्प्लेक्स के साथ कनेक्ट रखता है और उसको सपोर्ट देता है। ओके, उसके बाद है अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज नेक्स्ट क्या है, ये रही आपकी कहाँ पे गई, अम्बिलिकल आर्टरीज। अब जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरी थी जो कि आपके प्लेसेंटा में ब्लड को वापस भेज रही थी, अब ये तो बिफोर बर्थ अम्बिलिकल आर्टरी होती है, लेकिन जब आफ्टर बर्थ ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। क्या बन जाता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। और इसका काम यही होता है कि ये यूरिनरी ब्लड को क्या करता है, सपोर्ट देता है। अब दो चीज़ें हैं, देखें एक है एलेंटोइस यूराचिस और दूसरा है अम्बिलिकल आर्टरीज। जो एलेंटोइस है उसमें ANR है, तो वो बनता है मीडियन AN मीडियन अम्बिलिकल कार्ड। जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरी है उसमें अल आ रहा है मीडियल, तो वो बन जाती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। दोनों अम्बिलिकल लिगामेंट है, दोनों यूरिनरी ब्लड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो एलेंटोइस वाला है वो अन मीडियन, तो वो क्या होगा, मीडियन। और जो आपका अम्बिलिकल अल से मीडियल, तो वो मीडियन और ये मीडियल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। उसके बाद आपकी अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन क्या बनती है, ये रही आपकी अम्बिलिकल वेन। अब जो अम्बिलिकल वेन थी बिफोर बर्थ, वो आफ्टर बर्थ बन जाती है लिगामेंटम टेरिस। इसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस या फिर इसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट, इसको दो नाम बोलते हैं, लिगामेंटम टेरिस ऑफ लिवर या फिर हिपैटिक लिगामेंटम टेरिस। दूसरा नाम होता है राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर, राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर, ये दो। या बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस ऑफ हिपैटिक लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम टेरिस ऑफ लिवर और राउंड लिगामेंट। इसका काम ये होता है कि ये आपका जो लिवर होता है उसको, आपके लिवर को जो है ना ये सपोर्ट करता है, और लिवर को आपके अम्बिलिकल कार्ड के साथ, अम्बिलिकस के साथ क्या करता है, कनेक्ट रखता है। तो ये आपकी कुछ थी, तो इसको फिर सुन लें, मैं रिपीट कर देता हूँ इस वाले को कि डेरिवेटिव्स को, कि बिफोर बर्थ क्या होता है, आफ्टर बर्थ क्या होता है। देखिए वो कहता है कि बिफोर बर्थ क्या होता है, बिफोर बर्थ क्या होता है आपकी डक्टस आर्टरियोसिस आफ्टर बर्थ क्लोज होती है और लिगामेंटम आर्टरियोसम बन जाता है, और इसका काम होता है कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को सपोर्ट करना। और ये लेफ्ट रिकरेंट लेंजियल नर्व जो कि ब्रांच है वेगस नर्व, उसके पास पड़ी होती है, उसके पास होता है। और दूसरी चीज़ हमने कहा कि फोसा वेलिस, पहले क्या होता है फोरमेन ओवेल जब क्लोज होता है, तो फिर फीटस में फोरमेन ओवेल, जब आफ्टर बर्थ फोसा वेलिस। उस पर हमने कहा कि डक्टस विनोसिस पहले डक्टस विनोसिस होती है, जब आफ्टर बर्थ ये लिगामेंटम विनोसम बन जाता है जो कि आपकी लेफ्ट हिपैटिक वेन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद हमने क्या कहा, कि आपका अम्बिलिकल वेन जब बिफोर बर्थ आफ्टर बर्थ राउंड लिगामेंट बोलते हैं, या फिर लिगामेंटम टेरिस ऑफ लिवर, और इसका काम होता है कि लिवर को आपके अम्बिलिकस के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद आपका था अम्बिलिकल आर्टरीज अल से ये फिर बाद में बन जाता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, और ये भी आपके ब्लेडर को जो है ना वो अम्बिलिकस के साथ सपोर्ट देता है, उसको कनेक्ट रखता है। उसके बाद एक और हमने अभी पढ़ा, ये वाला एलेंटोइस, हमने कहा कि ये एक डक्ट होती है जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर और अम्बिलिकल वेन को कनेक्ट करती है, इसको हम यूरेचिस डक्ट बोलते हैं। इसके जरिए जो यूरिन है वो अम्बिलिकल वेन में जाता है और वहाँ से रिमूव होता है। अच्छा, रिमूव कैसे होता है, अम्बिलिकल वेन में गया, फिर यहाँ से ब्लड के साथ होता हुआ पूरी बॉडी अम्बिलिकल आर्टरी के जरिए मदर में चला गया। उसके बाद क्योंकि ये अन है, जब ये खत्म होता है, तो इससे मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनता है, ये भी यूरिनरी ब्लैडर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये थे हमारा फीटल सर्कुलेशन और उसके बारे में कुछ। चले अब मैं आपको फर्स्ट एड की बुक से जो है वो जरा रीडिंग करा देता हूँ। चले फीटल सर्कुलेशन देखिए, ब्लड इन अम्बिलिकल वेन, जो अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड आता है, एक सेकेंड, मैं जरा एक मिनट दे मुझे। बस एक मिनट, चले वो कहता है जो ब्लड जो अम्बिलिकल वेन से दाखिल हुआ अम्बिलिकल वेन में प्लेसेंटा से, वो उसका पार्शियल प्रेशर 30 mmHg है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 80% है। लेकिन जो अम्बिलिकल आर्टरी में ब्लड है उसमें लो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है, क्यों, क्योंकि वो जो यहाँ से ब्लड होता है तो वो ऑक्सीजन दे चुका होता है सेल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड ले चुका होता है बॉडी से। उसके बाद ब्लड इंटरिंग फीटस थ्रू द अम्बिलिकल वेन इज कंडक्टेड वेयर द डक्टस विनोसिस इनटू इंफीरियर वेना कैवा बाईपासिंग द हेपेटिक सर्कुलेशन, तो इधर इसको बाईपास करता है और इधर डक्टस विनोसिस के जरिए इंफीरियर वेना कैवा में इधर आता है। मोस्ट ऑफ द हाईली ऑक्सीडेटेड ब्लड रीचिंग द हार्ट वेयर द इंफीरियर वेना कैवा इज डायरेक्टेड थ्रू द फोरमेन, तो मोस्टली ब्लड वो इधर से इधर आता है, इधर से इधर, और यहाँ से ऐसे जाता है और हेड एंड नेक को सप्लाई होता है। डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वेना कैवा, तो वो डक्टस आर्टरियोसिस, तो वो कहता है कि जो
डीऑक्सी प्लांट इधर आता है, इधर से इधर, इधर से फिर इधर, और इधर से लंग्स में नहीं जाता, इधर चला जाता है डक्टस आर्टेरियोसस के जरिए डिसेंडिंग इओर्टा, फिर वो यहाँ से डिसेंडिंग इओर्टा में जाता है, फिर डिसेंडिंग इओर्टा से शंट इज ड्यू टू हाई फीटल सर्कुलेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि ये वाला शंट क्यों होता है कि ये ब्लड इधर लंग्स में नहीं जाता, इधर चला जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स में हाई रेजिस्टेंस होती है। शंट इज ड्यू टू हाई फीटल पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस ड्यू टू पार्शियल, क्योंकि उधर ऑक्सीजन ही नहीं होती, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उधर वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है तो जब वेजोकंस्ट्रिक्शन तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। आफ्टर बर्थ इन्फेंट टेक्स अ ब्रीथ, वो सांस लेता है, ऑक्सीजन ज़्यादा आती है, जब ऑक्सीजन आती है वेजोडिलेशन, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम आती है तो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो अब राइट हार्ट को कम प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तो राइट हार्ट में प्रेशर कम हो जाता है और लेफ्ट साइड को पूरी बॉडी को प्रेशर भेजना है तो लेफ्ट साइड में प्रेशर बढ़ जाता है। जब लेफ्ट साइड में प्रेशर बढ़ता है और राइट साइड में कम होता है तो फोरामेन ओवेल क्या होता है? क्लोज होता है। नाउ इट इज कॉल्ड फॉसा ओवेलिस। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, बच्चे ने सांस लिया, प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गया, क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा रिमूव हो गया, तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। एंडोमेथासिन हेल्प्स क्लोज द पेटेंट डक्ट, अगर डक्टस आर्टेरियोसस ओपन रहे तो एंडोमेथासिन उसको ड्रग है उसको क्लोज करती है। लिगामेंटम आर्टेरियोसम रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, ये नमूने का याद करने का। प्रोस्टाग्लैंडिन ई1 नीड टू कीप, ये भी नमूने का उसको याद करने का। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ई1 ई2 उसको क्या रखते हैं? ओपन। ये वही है जो मैंने आपको डिटेल में समझाया, कुछ समझ आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी ये देखें डक्टस आर्टेरियोसस है उसका, ये बिफोर बर्थ आफ्टर बर्थ पोस्टनेटल ये रहेगा, और ये नियर द लेफ्ट एट्रिकल रीजन लव डक्टस फिरोसिस बिफोर बर्थ आफ्टर बर्थ 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 बिफोर आफ्टर, ये चीज़ न्यू है नोटो कॉल्ड। तो बिफोर बर्थ नोटो कॉल्ड होता है, आफ्टर बर्थ न्यूक्लियस पर पोस्टस होता है। इसको डिटेल में हम जो है ना वो न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये कंटेंट इन फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, तो ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट में भी ये अम्बिलिकल आपका जो लिगामेंट होता है ये उसके अंदर भी ये पड़ा हुआ होता है, ठीक है? और ये जो रिचेस द पार्ट ऑफ द रेटिक डक्ट बिफोर, और ये उसको जो क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो बाकी ये चीज़ देख लें आप कि अनबीडियन अलबीडियन, ये चीज़ आपको देख लेनी है, बाकी आसान है, बाकी वही है जो डिटेल में मैंने पढ़ाया है बस। अब तो मेरे ख्याल में फर्स्ट एड आसान सी हो गया ना आपके लिए यार, क्योंकि मैंने इतने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है, बस वो कंसेप्ट याद रखे सारे। तो इसमें देखें छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, वो कहते हैं रेजिस्टेंस कम हुई सांस लेने के बाद, क्योंकि क्यों कम हुई? क्योंकि वेजोडिलेशन हुई, पीछे वाली चीज़ ये थी। जैसे ही रेजिस्टेंस कम हुई तो अब लेफ्ट एट्रिक का प्रेशर बढ़ गया, राइट का कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस कम है तो राइट एट्रिक को कम प्रेशर क्रिएट करना था, उधर प्रेशर कम हो गया, और लेफ्ट साइड को पूरी बॉडी को भेजना, उधर प्रेशर बढ़ गया। तो जब उधर प्रेशर बढ़ा तो फोरामेन ओवेल क्लोज हुआ। क्यों क्लोज हुआ? मैंने बता दिया, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है तो उधर पुश करता है इस तरफ। उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हुआ, क्यों कम हुआ? प्लेसेंटा रिमूव हुआ। तो वही पीछे वाले कंसेप्ट सारे लिखे हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज क्लास डिसमिस। इंशाल्लाह ताला कल हम जो है ना इसके नोट भी देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। ओके, क्लास डिसमिस।